हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव शंकर जी के जीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का चल रहा था पीएम और पीएमएम एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का, फिजिक्स भी हो रहा था, बायोलॉजी और जीके का करेंट अफेयर्स भी चल रहा है। आज का टॉपिक है बायोलॉजी से महत्वपूर्ण एकदम टीका, जो प्रमुख प्रमुख टीके भारत में है कि कौन से बीमारी के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। बहुत कुछ इम्पोर्टेंट प्रमुख टीके हम बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक और एक एक बात समझिएगा अच्छे से और एक एक टीका याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम 2021 में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहला बीसीजी का टीका देखिए, समझिएगा। बीसीजी का जो टीका दिया जाता है, ये तो बचपन में ही बीसीजी का टीका पड़ जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी बीसीजी का टीका पड़ता है। लेकिन अगर बचपन में नहीं पढ़ा, अगर आप फोर्स में जाते हैं, फौजी बनते हैं, तो उस समय भी आप जब ट्रेनिंग के लिए जाएगा तो सबसे पहले यही टीका दिया जाता है, बीसीजी का। इसलिए दिया जाता है कि बीसीजी का जो टीका पड़ता है वो टीबी के लिए पड़ता है। इसी को बोला जाता है, दूसरे भाषा में क्षय रोग भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस इसी को बोलते हैं, क्षय रोग इसी को कहते हैं। इसलिए दिया जाता है ताकि भारत सरकार का यही नियम है कि भारत जो है टीबी मुक्त हो, भारत जो है क्या टीबी मुक्त हो। उसके बाद आपका आता है कॉलरा वैक्सीन। देखिए कॉलरा वैक्सीन जो होता है ना, कॉलरा वैक्सीन दिया जाता है कॉलरा रोग के लिए, जिसको दूसरे भाषा में बोलते हैं हैजा। अभी हैजा रोग जो होता है, हैजा रोग को ठीक करने के लिए कौन सा वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, कॉलरा वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मम्पस जो वैक्सीन होता है, या दूसरे भाषा में इसको बोलते हैं MMR, मम्पस वैक्सीन जो होता है, यह दिया जाता है मम्पस रोग के लिए, खसरा के लिए और पोलियो के लिए। एग्जाम में पूछेगा आपको, एग्जाम में पूछेगा कि पैरालिसिस यानी पोलियो के लिए कौन से टीके का उपयोग किया जाता है, तो कौन से टीके का उपयोग किया जाता है, इपा है यहाँ पे, पा समझिएगा, मम्पस वैक्सीन। उसके बाद रूबेला वैक्सीन, एक रूबेला वैक्सीन होता है, एक होता है रूबीओला वैक्सीन, दोनों मानते हैं, एक रूबेला वैक्सीन एक होता है रूबीओला वैक्सीन, ये दोनों टीका है। तो रूबेला वैक्सीन जो होता है चेचक के लिए, और जर्मन खसरा जब होता है, रोग चेचक होता है तो दिया जाता है रूबेला, और रूबीओला वैक्सीन जो होता है, रूबीओला टीका जो दिया जाता है ये खसरा के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, खसरा के लिए क्या क्या दिया जाता है, अगर खसरा हो गया है तो आपको रूबीओला वैक्सीन पड़ेगा या मम्पस वैक्सीन भी पड़ेगा खसरा में, समझ रहे ना। इस समझने योग्य बात है, इसको याद जरूर रखिएगा। टीटानोक्सिड जो होता है यह दिया जाता है वैक्सीन टेटनस के लिए। टीटानोक्सिड जो होता है ना, टीटानोक्सिड वैक्सीन टीका जो होता है टेटनस के लिए दिया जाता है। लेकिन एक यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि डीपीटी टीका जो दिया जाता है, डीपीटी टीका भी दिया जाता है, ये भी टेटनस के लिए दिया जाता है, समझ रहे हैं बात। टेटनस के लिए आपका सबसे मुख्य जो होता है टीका वो होता है टीटानोक्सिड होता है, लेकिन डीप ये ना रहने की वजह से डीपीटी भी टीका आपको टेटनस के लिए दे दिया जाता है। उसके बाद टाइफाइड वैक्सीन जो होता है वो टाइफाइड के लिए दिया जाता है, जो अभी को फिलहाल बुखार लग रहा है, देखिए 10-15 दिन पे बुखार लग जाता है और 10 दिन लगातार फीवर रह जाता है तो ये टाइफाइड हो जाता है, तो टाइफाइड से बचने के लिए टाइफाइड वैक्सीन दिया जाता है। डीपीटी जो टीका होता है ये दिया जाता है डिप्थेरिया के लिए, काली कुकर खांसी के लिए और टिटनेस के लिए। ये चीज याद रखिएगा, टीका से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।